क्यों? लेकिन इंकलाबी है, अब क्या करें, चीजें तोड़ने को दिल चाहता है। उस वक्त इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना कुछ 5-10 साल बाद जाके हुआ था इस बैंड के टूटने का, क्योंकि उस वक्त गाना समझ में आता था, म्यूजिक समझ में नहीं आता। 14 साल बाद जाके पता चला कि जुनून इज बैक। और फिर 2018 में माय फेवरेट पाकिस्तानी बैंड ने कराची में रियूनियन कॉन्सर्ट किया। कौन आ रहा है? जुनून? वो सयोनी वाले? अच्छा। तो अभी कुछ दिन पहले हमें रेमेडी से फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटा अपनी टीम लेकर जरा पहुंचो। तो हम लोग अगले दिन जब पहुंचे वहां पे हमें काफी सारे लोग बैठे हुए मिले और हमें एक नया सरप्राइज मिला, वो ये था कि भाई जुनून आ रहा है। जुनून और उसके बाद जुनून का हमें ऐसा फीवर लगा कि हम जहां भी जा रहे हैं जुनून जुनून जुनून, गाड़ी में बैठो जुनून, दोस्तों के साथ बैठो जुनून, कमरे में बैठो जुनून, जुनून सवार हो गया हमारे सर पे यार। अभी सिर्फ थोड़ी देर रह गई है और मैक्सिमम 5 मिनट बचे हम लोग यहाँ पे, 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, और इस वक्त कभी भी जुनून यहाँ से आ जाएगा पूरा बैंड यहाँ पे सारे खड़े हुए सब इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आ गई, मैंने खराब कर दिया वीडियो। तो फाइनली जुनून से मिलने का शर्फ हासिल हुआ हमें मीट एंड ग्रीट पे, और मौका लगते ही मैंने भी उनके साथ एक यादगार पिक्चर ले ली। The feel that you get, I think that's what Junoon is. It's a feeling that you get. अच्छा खैर, आज वो होने जा रहा है जिसका हम सबको इंतजार था, और आज मैं इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पूछना चाहता हूँ कि कितने अरसे से सुन रहे हो भाई तुम जुनून को? 10 साल से। चलो झूठा। मैं मुझे तकरीबन हो गए 20 साल। अच्छा, 20 साल। आपकी उम्र क्या है? मेरी मैं नहीं बताता। शर्म आती है। तो यार आज फाइनली हम सबको मौका मिला जुनून कॉन्सर्ट को, जुनून को लाइव देखने का, और एक हॉबी रह गया था जब हमने बचपन में सुना था कि जुनून टूट गया है और उसके बाद नहीं देखेंगे, तो वो आज वापस आ गए और इस वक्त कतर में है। तो जुनून जब आया तो हमने सोचा पाकिस्तान कौन जाएगा, मैंने तो नहीं कभी सोचा था कि पाकिस्तान जाके देखूंगा, और कतर आ गए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सही बात है। सिर्फ हम नहीं देखेंगे, एक्सपीरियंस कराएंगे, जो ये 2 साल से जो भी फैन है ना उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे। सबसे पहले तो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज हमने देखें बहुत साल वेट किया है जुनून का, पहले रीयूनियन का 15 ईयर्स ऑलमोस्ट, और लास्ट का दोहा कतर में जो कॉन्सर्ट हुआ था 17 ईयर्स अगो इट वॉज, सो सिंस द लास्ट 15 ईयर्स एज इट इज़ जुनून हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, बट सिंस द रीयूनियन विच वॉज इन डिसम्बर 2018 आई हैव सीन फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स ऑफ जुनूनीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द कॉन्सर्ट, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बींग इन दोहा, आई थिंक वी ऑलवेज हैव अ नंबर ऑफ पीपल जो दूर से भी आए होते हैं, तो जुनून के जो फैंस हैं वो इतने डाई हार्ड हैं कि आई थिंक वो यू नो वो मेरा तो एकदम यू नो स्पिरिट को रेज कर देते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि अली ब्रायन एंड सलमान यू नो दे लव इट ऑल्सो। सो दोहा कतर ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर बिकॉज आई डिड वॉन्ट कि हम लोग यहाँ आके आपके लिए एक शो करें, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यू आर द बिगेस्ट फैंस आई नो, यू आर ह्यूज जुनूनी। जाना मैं
Shall we call you Umran or Momo? Umran, I prefer Umran. I've never discouraged Momo, but I don't understand how it's followed me my whole life. मुझे नहीं पता पड़ा है नाम कैसे पड़ा है. College में कोई दोस्त था, मैंने कोई, I must have said something stupid and he's like, yeah, तू बिल्कुल ही कोई Momo है. Junoon, when I saw them for the first time in like 97, was मैं अमेरिका में था. I'd never seen them live before. क्योंकि पाकिस्तान में तो बजा रहे थे. I'd never seen them. I'd only heard their music. When I saw them live, that gave me a reason to make Pakistani music. Because I was like, अच्छा ये मेरी किस्म की म्यूज़िक, what I like to do, only they're doing it in Urdu. And that was the reason I did the Moj album, that was the reason the Coke studio thing happened, that's the reason I play with Ali. And then having come full circle from watching them, being inspired and then doing all the other things and then ending up playing with them, it's, I mean, that's a dream come true. I mean, that, you know, yeah, you get, how often do you get to play with your heroes? These are my heroes, so I'm playing. God bless you. We had a fantastic time and we hope to come again.